वहीं से शुरुआत करते हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए. कैन यू नहीं, यू की जगह हम शी कर देते हैं. कैन शी यूटिलाइज द टाइम? यस, शी कैन यूटिलाइज द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग कर सकती है? हाँ, वह समय का सदुपयोग कर सकती है. Could she utilize the time? यस, शी कुड यूटिलाइज द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग कर सकती थी? हाँ, वह समय का सदुपयोग कर सकती थी. Should she utilize the time? यस, शी शुड यूटिलाइज द टाइम. क्या उसे समय का सदुपयोग करना चाहिए? हाँ, उसे समय का सदुपयोग करना चाहिए. अब हम बी चैप्टर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं. इज शी रेडी टू यूटिलाइज द टाइम? यू आर म्यूट. सॉरी. यस शी इज रेडी टू यूटिलाइज द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार है? हाँ, वह समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार है. Was she ready to utilize the time? यस, शी वॉज रेडी टू यूटिलाइज द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार थी? हाँ, वह समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार थी. Will she be ready to utilize the time? यस, शी विल बी रेडी टू यूटिलाइज द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार रहेगी? हाँ, वह समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार रहेगी. डज शी यूटिलाइज द टाइम? ये चैप्टर हमने आपको अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन हम अभी हेल्प करते हुए इसको सही करा देते हैं. यस, शी डज यूटिलाइज द टाइम. डज एक्चुअली मुझे लगाना मजबूरी है क्योंकि मैं प्रश्न कर रहा हूँ. यस, आपकी शी डिड. नहीं, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. शी यूटिलाइजेस, ऐसा बोल. ओके. यस, शी यूटिलाइजेस द टाइम. द टाइम. इज योर सी सी ऑन? नो सर, कर रही हूँ. प्लीज स्विच ऑन योर सी सी. यस सर. क्या वह समय का सदुपयोग करती है? हाँ, वह समय का सदुपयोग करती है. डिड शी यूटिलाइज द टाइम? यस, इसने सेकेंड फॉर्म ले लिया, लेना नहीं चाहिए था गूगल को. आई एम रिपीटिंग, डिड शी यूटिलाइज द टाइम? यस, शी डिड यूटिलाइज्ड द. आपको नहीं लगाना है, आपको केवल सेकंड फॉर्म लगाना है. यस, शी यूटिलाइज द टाइम. करेक्ट. क्या उसने समय का सदुपयोग किया? हाँ, उसने समय का सदुपयोग किया. विल शी यूटिलाइज द टाइम? यस, शी विल यूटिलाइज द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग करेगी? हाँ, वह समय का सदुपयोग करेगी. इज शी यूटिलाइजिंग द टाइम? यस, शी इज यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग अ टाइम, द टाइम. हाँ, द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग कर रही है? हाँ, वह समय का सदुपयोग कर रही है. वॉज शी यूटिलाइजिंग द टाइम? यस, शी वॉज यूटिलाइजिंग द टाइम. क्या वह समय का सदुपयोग कर रही थी? हाँ, वह समय का सदुपयोग कर रही थी. Has she utilized the time? यस, शी हैज यूटिलाइज द टाइम. क्या उसने समय का सदुपयोग कर लिया है? हाँ, उसने समय का सदुपयोग कर लिया है. ये आप लोगों की स्क्रीन पे ऐसा करने वाली सुविधा आती है, बैकग्राउंड चेंज करने वाली?
कभी ट्राई नहीं किया सर मैंने नहीं। अगर होगी तो स्क्रीन पे ही नीचे बिल्कुल तीन बिंदु दिखाता है जिससे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कर लिया है, पीछे बुक शेल्फ दिखा रहा है जबकि है नहीं। ये चूंकि हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं इसलिए गूगल ने शायद ये सुविधा हमें दी ऐसा लगता है। चलिए अब आप लोग शुरू कीजिए, इसी तरह से आप क्वेश्चंस कर लीजिए और अगर दिक्कत होगी तो पूनम यू कैन हेल्प हर, नो प्रॉब्लम। वेयर इज मान्या टूडे पूनम? यू आर म्यूट। मान्या इन्फॉर्म्ड टू मैडम जूही जी, ओके सर। व्हाट शी इन्फॉर्म्ड आई डोंट नो बट शी इन्फॉर्म्ड समथिंग। ओके ओके सर। ओके सो क्वेश्चन इज कैन शी यूटिलाइज द टाइम? यस शी कैन यूटिलाइज द टाइम। क्या वह समय का सदुपयोग कर सकती है? हाँ वह समय का सदुपयोग कर सकती है। कुड अरे शी एक मिनट आप वर्ब अपने कोई दूसरी ले लीजिए और सब्जेक्ट भी दूसरा लीजिए। कैन शी एंड चलिए मैं आपको सजेस्ट कर कैन देता हूँ, सब्जेक्ट हूँ। ऐसे ही मैं अचानक आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी वर्ब है रिकवर, ठीक है, और आप सब्जेक्ट ले लीजिए ही और आखिरी में रख दीजिएगा फास्ट। पहले एक बार हमारे साथ पहला सेंटेंस तो बोल दीजिए, कैन ही रिकवर फास्ट। कैन ही रिकवर फास्ट? यस ही कैन रिकवर फास्ट। अब एक बार हिंदी भी हमारे साथ बोल दीजिए, क्या उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है? क्या उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है? हाँ उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। ओके कुड ही रिकवर फास्ट? यस ही कुड रिकवर फास्ट। क्या उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती थी? हाँ उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती थी। शुड ही रिकवर फास्ट? यस ही शुड रिकवर फास्ट। क्या उसकी तबीयत जल्दी ठीक होनी चाहिए? हाँ उसकी तबीयत जल्दी ठीक होनी चाहिए। डज बी पास्ट, सॉरी बी प्रेजेंट पहले। बी प्रेजेंट। ओके वॉज ही प्रेजेंट इज दोस्तों इसमें बी चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, जैसे यस अगर हम बताते हैं इज ही रेडी टू तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, प्रेजेंट सिंपल से आगे बढ़िए। प्रेजेंट सिंपल इज नहीं डज डज ही रिकवर फास्ट? यस ही रिकवर्स फास्ट। क्या क्या वह जल्दी ठीक हो सकता है? नहीं रिकवर करता है या होता है, जल्दी रिकवर होता है, जल्दी ठीक होता है। क्या वह जल्दी ठीक होता है? ओके हाँ वह जल्दी ठीक होता है। वाज ही रिकवर फास्ट? नहीं पास्ट, सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म। वाज ही रिकवर डस का सेकेंड फॉर्म क्या हो डिड जाएगा? डिड 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 सॉरी डिड ही रिकवर फास्ट?
यस ही रिकवर्ड फास्ट. उसे क्या हुआ? क्या वह जल्दी ठीक हो सकता था? हो गया, हो गया. ओके ओके. क्या वह जल्दी ठीक हो गया? हाँ वह जल्दी ठीक हो गया. विल ही रिकवर फास्ट? यस ही विल रिकवर फास्ट. क्या वह जल्दी ठीक हो जाएगा? हाँ वह जल्दी ठीक हो जाएगा. इज ही रिकवरिंग फास्ट? यस ही इज रिकवरिंग फास्ट. क्या वह जल्दी ठीक हो रहा है? हाँ वह जल्दी ठीक हो रहा है. एंड देन उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस. वॉज ही रिकवरिंग फास्ट? यस ही वॉज रिकवरिंग फास्ट. क्या वह जल्दी ठीक हो रहा था? हाँ वह जल्दी ठीक हो रहा था. प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. हैज हैज ही रिकवर्ड फास्ट? यस ही हैज रिकवर्ड फास्ट. पास्ट परफेक्ट. हैज का पास्ट क्या होगा? हो रहा था. उसने जल्दी क्या उसने जल्दी रिकवर किया था. जल्दी ठीक हो गया था. है हो गया है. हाँ वह जल्दी ठीक हो गया है. अब क्या वह जल्दी ठीक हो गया था? हो गया था या हैज क्या वह जल्दी ठीक हो गया था? हैज ही रिकवर फास्ट है ना? है गया है हो गया है में हैज था के लिए. हैज का सेकेंड फॉर्म ऑफ हैज. हेड हेड. कंप्लीट द सेंटेंस. हैड हेड ही रिकवर फास्ट है ना? यस ही हैड रिकवर्ड फास्ट. क्या वह जल्दी ठीक हो गया था? हाँ वह जल्दी ठीक हो गया था. सर डन. ऑल सेंटेंसेस डन. चलो कल सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट मॉल्ट. ये इडियम था ना शायद कल वाला? हाँ यस्टरडे वी हैड डन द इडियम सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट मॉल्ट है ना. या तो शुड वी स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस विद दिस इडियम? अरे पूनम, कोई एक वर्ब लेके पूरा थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चनिंग जूही जी से कर दो तो वो आंसरिंग कर लेंगे. ओके सर. स्यू मीन्स सिलना. ओके लेकिन उसका उच्चारण सो होगा. सो यस सर. सो सो सो. कैन यू सो द क्लोथ्स? Yes, I sew the clothes. Can you sew the Yes, clothes? I can sew the clothes. So clothes or cloth में भी होता है कि clothes is unstitched material and cloth is cloth is unstitched material. Yes, she is absolutely right. She is absolutely right. Cloth is unstitched material and cloth is what we have to use cloth, na? Can you stitch cloth? I suggest you किसी particular garment का नाम ही रख दो ना. Okay. शरारा कुछ भी. Can you stitch skirt? Yes, I can stitch skirt.
could you stitch skirt? Yes, I could stitch skirt. Complete the process yeah. with the एक्चुअली प्रोसेस कंप्लीट करने में ही प्रॉब्लम है थोड़ी, मतलब हिंदी. ओके, फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ कैन, कैन हिंदी. क्या आप स्कर्ट सिल सकती हैं या सिल पाती हैं? हाँ, मैं स्कर्ट सिल पाती हूँ. अब कुड, क्या आप स्कर्ट सिल पाती थी, सीख सकती थी? हाँ, मैं स्कर्ट सिल सकती थी. ओके, शुड Should you sew skirt? Yes, I should sew skirt. क्या आपको स्कर्ट सिलना चाहिए? हाँ, मुझे स्कर्ट सिलना चाहिए. Do you sew skirt? Yes, I do sew skirt. I sew a skirt. Yes. Did you sew a skirt? Sorry, first I am completing the process. क्या आप स्कर्ट सिलती हैं? हाँ, मैं स्कर्ट सिलती हूँ. Did you sew the skirt? Yes, I sewed the skirt. सोड सोड होगा ना आपका? ओके, क्या आपने स्कर्ट सिला? हाँ, मैंने स्कर्ट सिला. विल यू सो द स्कर्ट? यस, आई विल सो द स्कर्ट. क्या क्या आप स्कर्ट सिलेंगी? हाँ, मैं स्कर्ट सिलूंगी. ओके, are you sewing the skirt? Yes, I am sewing the skirt. क्या आप स्कर्ट सील रही हैं? हाँ, मैं स्कर्ट सील रही हूँ. Was you sewing the skirt? Sorry. Oh, sorry. Were you sewing the skirt? Yes, I was sewing the skirt. क्या आप स्कर्ट सील रही थी? हाँ, मैं स्कर्ट सील रही थी. Have you sewed the skirt? Yes, I have sewed the skirt. क्या आपने स्कर्ट सील लिया है? हाँ, मैंने स्कर्ट सील लिया है. अब इसको एक बार और पूछ लेते हैं. Have you sewn the skirt? Sewn. दो सेकंड, थर्ड फॉर्म होते हैं ना इसके. Sewn. Okay. Sewn. Okay. Have you sewn the skirt? Yes, I have sewn the skirt. Yes. क्या आपने स्कर्ट सिल लिया है? हाँ, मैंने स्कर्ट सिल. Had you sewn the skirt? Yes, I had. I had sewn the skirt. क्या आपने स्कर्ट सील लिया था? हाँ, मैंने स्कर्ट सील लिया था. सर, ऑल आर डन. ओके, पूनम, आर यू राइटिंग द वर्ब्स आई एम गिविंग देम? नो. Poonam, are you writing the words I am giving them? No? Yes, sir. I am writing the... Sir, come again. Are you writing the verbs I am giving them nowadays? Yes, sir. I am writing the verbs which are you giving nowadays. So, please, can you tell me what was the last verb? Sir, in 5 to 6 class, no? Yes, in 5 to 6. Sir, the verbs are teach, that is sikhana, teach, taught, padhana, teach, taught,
एंड द नेक्स्ट वर्ब इज सो सोड सोन एंड द नेक्स्ट वर्ब इज प्ले प्लेड प्लेड दैट इज खेलना एंड द नेक्स्ट वर्ब इज प्ले प्लेड प्लेड बजाना एंड द वर्ब फॉर पढ़ना इज रीड रेड रेड एंड द वर्ब फॉर अध्ययन करना स्टडी स्टडीड स्टडीड एंड द वर्ब फॉर लिखना राइट रोट रोट means the last verb is write. So it was the first one. The last verb was play, played, that is bajana. Okay. So in the sequence, the next verb is. ओके जूही दीदी व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर सीखना द वर्ब फॉर सीखना शुड बी लर्न ओके व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ लर्न द सेकंड फॉर्म ऑफ लर्न शुड बी लर्नड What should be the third form of learn? The third form of learn should be learnt. चलिए पहले हम इसमें कुछ questions करते हैं उसके बाद फिर दूसरी बात देखते हैं थोड़ा बड़ा सा सवाल कर रहे हैं उससे hesitate मत होइएगा Actually, I'm asking to Poonam. Poonam, have you learnt whatever I have taught? Yes, sir. I have learnt all the things, whatever you have taught. Poonam, जो कुछ मैंने सिखाया है, क्या आपने सीख लिया है? हाँ, sir. मैंने वो सब सीख लिया है जो आपने पढ़ाया है या सिखाया Same question. ओके जूही दीदी हैव यू लर्नड ऑल दैट व्हाट एवर सर हैज टॉट यस आई हैव लर्नड व्हाट एवर सर हैज टॉट मी क्या आपने वो सब सीख लिया है जो सर ने सिखाया है हाँ मैंने वह सब सीख लिया है जो सर ने मुझे सिखाया है अब एक नई चीज मिलने वाली है पूनम को प्लीज स्विच ऑन द सीसी पूनम आर यू लर्निंग इन अ जिफी Sir, what is the meaning of Zippy? You give me answer in yes. Yes, I am learning in Zippy. Zippy. Actually, Google has taken wrong spelling. Zippy. Zippy. Okay. I am learning in... Yes, sir. I am learning in Zippy. क्या आप फटाफट सीख रहे हो? हाँ, sir. मैं फटाफट सीख रही हूँ. ओके जूही दीदी आर यू लर्निंग इन जिफी नो आई कांट लर्निंग इन जिफी यस देखिए पता नहीं आपको वहां से ये सेंटेंस दिख रहा होगा कि नहीं यहाँ एक सेंटेंस लिखा है किसी भी नकारात्मक वाक्य को तुरंत पलटकर सकारात्मक कर दीजिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे I am learning Ziffy, sir. ऐसा बोला मुझे. In a Ziffy. Okay, I am learning in a Ziffy.
प्रोसेस। ओके सर, क्या आप जल्दी सीख रही हैं? हाँ मैं जल्दी जल्दी सीख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर याद करना जो दीदी? द वर्ब फॉर याद करना शुड बी लर्न। व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न? द सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न शुड बी लर्न्ड। व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न? द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न शुड बी लर्न। अब इस सेंटेंस को एंजॉय कीजिए और यस या नो में आंसर दीजिए। पूनम बेटा, हैव यू लर्न्ड ऑल द चैप्टर्स? नो सर, आई हैवेंट लर्न ऑल द चैप्टर्स। पूनम बेटा, क्या तुमने सारे चैप्टर्स याद कर लिए हैं? नहीं सर, मैंने सारे चैप्टर्स याद नहीं किए हैं। ओके जी यू आर जी फ्रेंड्स ना, फ्रेंड्स? यस वी आर फ्रेंड। हाँ तो बिल्कुल सेम सेंटेंस पूछो। ओके जूही दीदी, हैव यू लर्न्ड? बेटा चूनम अच्छा यार, हैव यू लर्न्ड? यार, वे हैव यू लर्न्ड ऑल द चैप्टर? नो यार, आई हैव नॉट लर्न ऑल द चैप्टर्स। क्या यार, क्या आपने सारे चैप्टर लर्न कर लिए हैं? नहीं ना यार, मैंने नहीं किए हैं सारे चैप्टर्स, लर्न नहीं किए हैं। ये हिंदी थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। एक करना बार जूही जी को पूछने दें। आई ऑल्सो सो पूनम, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर आत्मसात करना? सर कैन आई ट्राई? द वर्ब फॉर आत्मसात करना शुड बी कॉम्प्रिहेंड, आई थिंक। व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंड पूनम? द सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंड शुड बी कॉम्प्रिहेंडेड। व्हाट शुड बी द थर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंड? फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंड शुड बी कॉम्प्रिहेंडेड। डू यू कॉम्प्रिहेंड गुड थॉट्स? यस सर, आई कैन कॉम्प्रिहेंड गुड थॉट्स। डू यू? ओके यस सर, आई कॉम्प्रिहेंड गुड थॉट्स। क्या आप अच्छे विचारों को आत्मसात करती हैं? हाँ सर, मैं अच्छे विचारों को आत्मसात करती हूँ। Somebody has come. Is there anybody to attend? So go. जूही दीदी, डू यू कॉम्प्रिहेंड द गुड थॉट्स? Yes, I comprehend You can go गुड and attend. थॉट्स। Poonam, if you want to go, you can go and attend. नो No. सर, माय सन हैज कम, नो नीड टू गो देयर। क्या आप अच्छे विचारों को आत्मसात करती हैं? हाँ, मैं अच्छे विचारों को आत्मसात करती हूँ। आत्मसात करने का मतलब होता है किसी चीज को दिलो दिमाग में एकदम उतार लेना, अपने जहन में बैठा लेना। ये लर्न का अपोजिट है। बच्चे लर्न करते हैं और हम लोग बड़े लोग किसी चीज को आत्मसात करते हैं।
एक अभी हमने इसमें जो ऑब्जेक्ट लगाया गुड थॉट्स, एक ही ऑब्जेक्ट तो इसके साथ बड़ा सूट करता है। हम आपसे एक एक क्वेश्चन करते हैं, आप कुछ अच्छा सा ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करें। फर्स्टली आई एम आस्किंग टू पूनम, पूनम व्हाट डिड यू कॉम्प्रिहेंड विद दिस स्टोरी? I comprehended all the positive points from that story. आपने इस कहानी से क्या आत्मसात किया? तो उस कहानी में जो भी पॉजिटिव था वो सब मैंने आत्मसात किया. I had to ask next another question, sir. हाँ, सेम क्वेश्चन, बिकॉज शी अदरवाइज शी कुड गेट प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन। जूही दीदी, व्हाट डिड यू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम दैट स्टोरी? आई कॉम्प्रिहेंड दैट स्टोरी. सेकेंड, आई हैड ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई कॉम्प्रिहेंडेड आई कैम आई कॉम्प्रिहेंडेड दैट स्टोरी. दैट सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट मोल्ड. पूनम गुड मॉर्निंग, सर, हर आंसर वाज एक्सेलेंट एक्चुअली. आपने इस स्टोरी से क्या आत्मसात किया? मैंने इस स्टोरी से ये आत्मसात किया कि धीरज का फल मीठा होता है. ओके, शी विल आस्क मी, जूही जी विल आस्क मी, सर, डिड यू व्हाट डिड व्हाट यू डिड यू ओके व्हाट डिड यू कॉम्प्रिहेंड दिस दैट स्टोरी? विद दिस स्टोरी? ओके सर, व्हाट डिड यू कॉम्प्रिहेंड विथ दिस स्टोरी या विथ दिस? वेल, आई कॉम्प्रिहेंडेड दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने इस कहानी से क्या आत्मसात किया? मैंने इस कहानी से ये बात आत्मसात की करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वन मोर एंड लास्ट वर्ड, सर, व्हाइट बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल, एक्चुअली क्लियर पार्शली कट. नाउ नो सर, यू आर यूजिंग आईफोन, यस, इट इज क्लियरली यस विजिबल. सर, यस सर, अब प्लीज. बाहर जाकर आप पूछ लीजिए, पूनम आंसर दे देंगे। पूनम, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना? द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना, एंजॉय. यू आस्क मी, आई विल आंसर। यस सर. सर, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना? द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना इज हैंग आउट।
व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैंग आउट जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ हैंग आउट शुड बी हंग आउट होगा क्या सर? करेक्ट पूनम, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ हैंग आउट? द थर्ड फॉर्म ऑफ हैंग आउट शुड बी हंग आउट. जूही जी डू यू हैंग आउट ऑन वीकेंड्स यस, आई हैंग आउट. हैंग आउट इन, सॉरी सर, कम अगेन प्लीज. ओके लेट मी चेक पूनम इज अवेयर और नॉट कैन यू आंसर पूनम यस सर, आई हैंग आउट ऑन वीकेंड्स. वेरी नाइस क्या आप वीकेंड्स में बाहर घूमने फिरने जाती हैं यस सर, मैं वीकेंड्स में बाहर घूमने फिरने जाती हूँ. जूही दीदी, डू यू हैंग आउट्स इन वीकेंड? यस, आई हैंग आउट वीकेंड विथ यू, आप ऑलवेज सप्ताह विथ यू. ओके आप सप्ताह के अंत में घूमने फिरने जाती हैं? कोर्स जाती हूँ, तुम्हारे साथ ही तो जाती हूँ. दिस वीकेंड इज स्पेशल वीकेंड सर, एक्चुअली डे आफ्टर टुमारो इज हिज हर्स बर्थडे, सो दिस वीकेंड इज वेरी स्पेशल फॉर हैंग आउट. जूही जी डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस अदरवाइज पूनम विल टेल मी यस सर, लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस इज सॉफ्ट फायर मेक्स, नहीं, व्हाट व्हाट कैन शुड आई डू सर, व्हाट शुड आई डू? राइट. अभी हम आपको बताना चाहते हैं कुछ चीजें जो बिगड़ गई थी तो आपके पास सब लिखा हुआ तो है लेकिन अब जब हम लिखवा रहे हैं तो उसके दौरान कुछ गर्भ में छिपी हुई चीजें भी बाहर आती हैं और उसमें क्रिएटिविटी होती है क्योंकि पहले आपको इंटरेक्टिव सेंटेंस सीधे सीधे रिटर्न में भेज दिए गए तो आपने लिख लिए लेकिन अब आप देखेंगे उसमें क्या क्या होता है सो दिस इज टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है लेकिन अब देखिएगा इस जो हमारी क्लास के रियल प्रोसेस है उसमें पूनम आपसे एक सवाल करेंगी अभी पूनम आस्क रिलेटेड क्वेश्चन यस सर, आर यू अवेक? नो नो अभी अपने को ओके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करना है पहले ओके तो हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं ना जूही दीदी, विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? अभी इनके इसमें डस की शुरुआत नहीं हुई है पूनम ओके इन रिलेटेड. लोगों विच रिलेटेड चैप्टर इज द सेंटेंस, विच चैप्टर इज द सेंटेंस रिलेटेड? दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी प्रेजेंट. बार मैं व्हाट हिंदी कर लेता हूँ जूही जी यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है यह वाक्य बी प्रेजेंट से संबंधित है? अब अगला सवाल जूही जी आप करें पूनम से अगर याद हो तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस पूनम? आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस.
ओके, व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस रूबी? दूसरे नंबर पे क्या चीज आती है वो हमें पूछना चाहिए। इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? Am is the main verb in this sentence. What is awake in this sentence? Awake is adjective or noun in this sentence? बीच अक्षर में तीसरा शब्द या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, दो में से कुछ एक होता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, अभी हम इसको लिखेंगे भी। आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जोई जी कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? Not exactly, जाग रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, I don't know, मैं जाग रही हूँ, हाँ यही, yes sir, मैं जाग रही हूँ। चलिए अब पूनम को सवाल करेंगे। आर यू अवेयर जूही? यस आई एम अवेक। क्या आप जाग रही हैं? हाँ मैं जाग रही हूँ। आर यू अवेक सर? नो आई एम अस्लीप। सर क्या आप जाग रहे हैं? नहीं मैं सो रहा हूँ। पूनम नई चीज मिली, ध्यान दिया ना? अब इसकी बारीक व्याकरण को भी समझते हैं। ध्यान पहले ध्यान से देख के ये बताएं कि ये जो एडजेक्टिव है अंग्रेजों ने बनाया कैसे, किस प्रक्रिया से बनाया? पहले तो हम ये सवाल कर लेते हैं, पूनम व्हाट इज अवेक? सर अवेक इज अ वर्ब? नहीं, एडजेक्टिव। अब दूसरे सवाल कर लो। व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ सर अवेक? एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म नहीं होता है, एडजेक्टिव अवेकन नहीं होता है। एडजेक्टिव का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता है। दूसरा सवाल हम कर लेते हैं जूही जी से। जूही जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेक? द मीनिंग ऑफ अवेक शुड बी जागना। अब जैसे ही गलती आप लोग कर रहे हैं तो बहुत गलती है ना, जब आता है आखिरी में तो वो काय की पहचान है, वर्ब क्रिया के क्रिया सर। की पहचान होती है। यस सर, यस। तो क्या ये वर्ब है? नो सर, ये एडजेक्टिव है। अवेक जागरूक, क्या जागरूकता। चलिए मैं पूनम से पूछता हूँ, पूनम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर द मीनिंग ऑफ अवेक शुड बी जागरूकता। या जाग जाना, आगा हुआ। ओके जाग सर। जाना, जाग जाना। जागरूकता के लिए जो शब्द है वो है अवेयर। अवेयर, द वर्ड इज अवेयर। जाग जाना होगा सर। अब अभी हमें मजबूरी में आपको दोनों चीजों का अंतर स्पष्ट करने के लिए वो देना जरूरी लग रहा है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पूछिए।
पूनम, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर जागना, उठना? यू आर इन म्यूट. द वर्ब फॉर जागना शुड बी वेकअप. वेकअप. हाँ आई थी वेकअप सेट. Wake up, said. Picture right. Wake up. Yes, sir. What should be the second form of wake up, Juhi Didi? The second of form of wake up should be woke up. What should be the third form of wake up, Puna? The third form of wake up should be woke up. No, this is wrong. Okay. Woken. इसको पूछ सकते हैं. यस. व्हाट शुड बी द अनदर वर्ड फॉर जागना? अनदर वर्ब. वर्ब वर्ब. अनदर वर्ब फॉर जागना. अनदर वर्ब फॉर जागना शुड बी. इफ यू डोंट नो यू कैन आस्क. सर गेट अप. Yes. Another verb for jagna should be get up. What should be the second form of get up? The second form of get up should be got up. What should be the third form of get up? The third form of got up should be got up. Get up should be got up. Get up. The third form of get up should be got up. अब जूही जी इस सेंटेंस को इन्वर्टेड बनाइए. एम आई अवेक? तो इन्वर्टेड बनाने का नियम क्या है? शब्द सेंटेंस के नहीं, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. अब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के दौरान तो हमें हमेशा यही सिखाया गया कि सहायक क्रिया को उठा के हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं. अब चूंकि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारा तीन उंगलियों वाला नियम यहाँ पे होता है कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख देते. कुछ काल्पनिक राउंड खेलते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद पूनम. अगर पर्याप्त सब्जेक्ट बाहर नहीं आए तो हम राउंड को दो या तीन बार घुमा देंगे. पूनम, हु इज अवेक? यस सर. नो नो नो, यस सर पे आंसर आएगा ही नहीं. हु इज अवेक? हु इज अवेक? ओके, शी इज अवेक. सिंपल आंसर आ गया पहला. कौन जाग रहा है? वह जाग रही है. आगे बढ़ने से पहले देखिएगा, वैसे तो क्लियर हो गया है आप लोगों को, हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं आईएनजी नहीं है. ये रियल इंग्लिश है. और हमने जब नाम जवाब दिया था, अरे हाँ एक प्रश्न तो छूट गया, मैंने पूछा था कि अंग्रेज कितनी खूबसूरती से शब्दों का निर्माण करते हैं. आप देखिए वर्ब में उन्होंने ए लगा के एडजेक्टिव का निर्माण किया है. क्रिया में ए लगाने से वो विशेषण बन गया है अवेक. ये एक एडजेक्टिव बन गया है, कोई व्यक्ति जागा हुआ है. और हमने आंसर देते सामने समय जानबूझ के उसका अपोजिट वर्ड यूज किया था, नो आई एम अस्लीप. हमने वहां पे भी स्लीप में अ लगा के उसको एडजेक्टिव बना दिया था. एक्चुअली हमने नहीं बनाया था, इट इज रेडीमेड, ऐसा बोला ही जाता है. तो इन खूबसूरती को भी, व्याकरण की खूबसूरती को भी हम अपने जहन में रखते जाएं.
कभी बच्चे कुछ पूछे तो उनको हम बता सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन आगे बढ़ाइए पूनम, हु इज अवेक? हु इज अवेक जूली? ही इज अवेक। कौन जागा हुआ है? वह जागा हुआ है। कौन जाग रहा है? वह जाग रहा है। सर अवेक मीन जागा हुआ। अब अक्षर से अनुवाद हम लेंगे तो वो ऐसा ही होगा। ये इसलिए हम पूरा राइटिंग वर्क दोबारा करवा रहे हैं इनको, भले ही इसमें समय लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इसमें। ये सब पूनम तुम्हारा भी छूट गया था, ये शुरुआत में देते हैं, फर्स्ट मंथ का है ये सब, तो वो क्लियर होता जाएगा क्योंकि लिख के तो सब भेजा हुआ है लेकिन वो कैसे होता है अब जाके आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आस्क मी। ओके सर, हु इज अवेक? दे बोथ आर अवेक। कौन जागा हुआ है? वे दोनों जाग रहे हैं। हम इसलिए इस राउंड को और आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट में वैरायटी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हम फिर से पूछ रहे हैं और इस बार हम जानबूझ के भूतकाल में ले चलते हैं ताकि आपको एक नई चीज मिले। पूनम, हु वाज अवेक? सो द डैड एंड द सन वर अवेक। वेरी गुड। कौन जाग रहा था? पिता और बेटे जाग रहे थे। पिता पुत्र जाग रहे थे। पिता पुत्र जाग रहे थे। ओके, एंड जूही दीदी, हु वाज अवेक? टॉम एंड जॉन वाज अवेक। वाज नहीं आएगा, वर वर सॉरी 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 सर, टॉम एंड जॉन वर अवेक। कौन जाग रहे थे? टॉम एंड जॉन जाग रहे थे। सर, हु वाज अवेक? ऑल द स्टूडेंट्स वर अवेक ऑफ दिस क्लास। कौन जाग रहा था, रहे थे या रहा था? आपका सवाल तो वही रहेगा क्योंकि आपने वास लगाया है ना, यू आर यूजिंग वास, तो आपका सवाल तो सेम रहेगा, हमारा जवाब कुछ भी हो सकता है। इस क्लास के सभी विद्यार्थी जाग रहे थे। अब हम बी फ्यूचर में ले चलते हैं इसको। आप पूनम, हु विल बी अवेक? सर, द होल फैमिली विल बी अवेक। कौन जागता रहेगा? पूरी फैमिली जागती रहेगी, पूरा परिवार जागता रहेगा। गुड। अब फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन एक वचन होता है, भले ही फैमिली में 5 सदस्य हो 10 सदस्य, लेकिन हिंदी में देखें पूरा परिवार जाग रहा था, थे नहीं था, वॉस तो समझ में आ जाता है, एक वचन है। हु विल बी अवेक जूही दीदी? माय ऑल फ्रेंड्स विल बी अवेक। कौन जाग रहा होगा? मेरे सारे फ्रेंड जाग रहे होंगे। सर, हु विल बी अवेक? ओनली डॉग्स विल बी अवेक। कौन जाग रहा होगा? केवल कुत्ते जागते रहेंगे बिकॉज इट इज मिडनाइट। एवरीबॉडी विल बी अस्लीप, ओनली डॉग्स विल बी अवेक। सब लोग सोए हुए रहेंगे, केवल कुत्ते जागते रहेंगे। विल द सोल्जर्स बी अवेक? यस सर, द सोल्जर्स विल बी अवेक। क्या फौजी जागते रहेंगे? हाँ सर, फौजी जागते रहेंगे। ओके,
जूही दीदी, द पोलिस विल द पोलिसमैन बी अवेक? यस, पुलिसमैन विल बी अवेक। क्या पुलिसमैन जागता रहेगा? हाँ, पुलिसमैन जागता रहेगा। द थीफ विल ऑल्सो बी अवेक। जब तक जूही जी सोच रही हैं, मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आ गया। मैं पूनम से पूछता हूँ, पूनम, विल दुल्हा दुल्हन बी अवेक होल द नाइट? ऑफकोर्स दे विल बी अवेक होल नाइट, क्या दूल्हा बिकॉज दुल्हन पूरी रात जागते रहेंगे? यस सर, वो जागते रहेंगे क्योंकि अभी फेरे बाकी है। बिकॉज द सर, फेरे को क्या बोलेंगे फिर? राउंड बिकॉज थ्री फोर राउंड्स आर लेफ्ट। वेडिंग सेरेमनी इज लेफ्ट, बिकॉज वेडिंग सेरेमनी इज लेफ्ट। जूही जी, हैव यू गॉट अच्छा सा सब्जेक्ट? विल सोल्जर बी आई हैव अवेक? यूज्ड सोल्जर, आई यस हैव सर। यूज्ड 3D। बहुत दिनों बाद 3D का समय आया है। मोगेम्बो खुश हुआ। रोटन एप रोटन एप्पल में इंजर इट्स कंपेनियन, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मिस फॉर्चून नेवर कम सिंगली, मुसीबत अकेले नहीं आती। अब इससे बहुत अच्छी चीज याद आ गई। हम एक राउंड खेलते हैं। पूनम, कैन अ रोटन एप्पल मे इंजर इट्स कंपेनियन? यस सर, अ रोटन एप्पल कैन मे इंजर इट्स सॉरी सॉरी, इट इज माय मिस्टेक। कैन अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? यस सर, एंड रोटन एप्पल कैन इंजर इट्स कंपेनियन। एंड लगाया क्या पुनः? नहीं सर, इंजर इट्स कंपेनियन। क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है? हाँ सर, एक मछली तालाब को गंदा कर सक सारे तालाब को गंदा कर सकती है। इसी को कुड में पूछ जोगी जी से। यस सर। जूही दीदी, कुड एन रोटन एप्पल, हाँ, एंड लगा तो रही हो। सर एम ने एन रोटन नहीं अरोटन, अ रोटन एप्पल इंजर द कंपेनियन। यस एक सेकेंड, वो पजेसिव एडजेक्टिव मिस कर दिया पूनम ने। जूही जी, आपके बैच में अभी हमने पजेसिव एडजेक्टिव बहुत विस्तार से नहीं बताया, हल्का सा शुरू किया था। यस सर, बताया था। पूनम, यस सर, लेट मी रिपीट माई क्वेश्चन। यस सर। कैन अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? यस सर। कुड एन सॉरी कुड अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? यस, अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कप रोटन कुड 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 अ रोटन एप्पल यस अ यस कुड अ रोटन एप्पल इंजर कुड अ रोटन एप्पल
इंजर इट्स कंपेनियन. Could a rotten apple? She is questioning. Yes, yes, yes. A rotten. Yes, a rotten apple could injure its companion. क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती थी? हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती थी. शुड जूही जी. शुड अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? नो, अ रोटन एप्पल शुड नॉट इंजर इट्स कंपेनियन. क्या एक मछली को सारे तालाब को गंदा करना चाहिए? नहीं, एक मछली को आधे तालाब को गंदा करना चाहिए. Does a rotten apple injure its companion, Poonam? Yes, a rotten apple injures its companion. क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है? हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. ओके, डिड अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? यस, अ रोटन एप्पल डिड. इसका आधा उच्चारण ना करें जी. एप्पल एप्पल एप्पल. यस, अ रोटन एप्पल में इंजर्ड इट्स कंपेनियन. नहीं, अब हम मेकअप प्रयोग नहीं कर रहे हैं. ओके सर, डिड. यस सर, यस सर. यस, अ रोटन एप्पल डिड इंजर इट. प्रश्न करने वाला यूज करता है, आंसर देने वाले को आवश्यकता नहीं होती. yes, उधार उधार सब याद है, उधार लेते हैं तो पूनम को उधार लेना पड़ रहा, आपको उधारी की जरूरत नहीं. Yes, a rotten apple injured its companion. Complete the process. क्या एक मछली पूरे तालाब को खराब कर दी? क्या एक मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया? एक मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया. हाँ, एक मछली ने सारा तालाब गंदा कर दिया. जी जी, आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछे. डिड अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? नो, अ रोटन एप्पल डिड नॉट. अब हमें फिर से डिड उधार लेना पड़ रहा क्योंकि हमें नॉट लगाना. ओके सर, दो जगह उधार लेना पड़ता है, एक तो प्रश्न करने वाले को और एक नकारात्मक. नो, अ रोटन एप्पल डिड नॉट इंजर इट्स कंपेनियन. क्या एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया? नहीं, एक मछली ने सारे तालाब को गंदा नहीं किया. देयर वर सो मैनी फिश. फिश में एस नहीं लगता है व्याकरण की दृष्टि से. फिश का बहुवचन भी फिश होता है. अब हम अगला सवाल कर लेते पूनम से. विल अ रोटन एप्पल इंजर इट्स कंपेनियन? नो सर, अ रोटन एप्पल विल नॉट इंजर इट्स कंपेनियन. क्या एक सड़ा हुआ सेव अपने साथ में रखे फलों को सड़ा देगा? नहीं सर, एक सड़ा हुआ फल अपने साथ के सारे सेब को नहीं सड़ाएगा. ये अनुवाद हो गया अक्षरशः. प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना सर. इज अ रोटन एप्पल इंजरिंग इट्स कंपेनियन? Yes, a rotten apple is
इंजर इट्स कंपेनियन. इज रोटन एप्पल इंजरिंग इट्स कंपेनियन? यस, रोटन एप्पल इज इंजरिंग इट्स कंपेनियन. क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है? हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है. वॉज अ रोटन एप्पल इंजर इट्स वॉज अ रोटन एप्पल इंजरिंग Was a rotten apple injuring its companion? Yes, a rotten apple was injuring its companion. क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही थी? हाँ, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही थी. लास्ट क्वेश्चन करके आज की क्लास को विराम देते हैं. पूनम, हैज अ रोटन एप्पल इंजर्ड इट्स कंपेनियन? Yes, sir. A rotten apple has injured its companion. क्या एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया है? हाँ, सर. एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया है. So, see you on Monday. Yes, sir. Thank you for joining. God bless you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.